चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर और अभी गाड़ी पार्क करते हैं। पहले वाले होंगे यहाँ पर, उनके पास ही छोड़ते हैं गाड़ी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें खुद खड़ी करनी चाहिए, या कर दें खड़ी वहाँ पे। आगे जगह तो है, लेकिन ये रहना वाले को दे दे। और क्या सेफ्टी रहेगी वाले को देने में। ये है क्लॉक टावर और हम लोगों ने गाड़ी वाले को दे दी है। अंदर चलते हैं क्लॉक टावर की। ये क्या है? हाँ, थोड़ा बेहतर है। तो क्लॉक टावर रेस्टोरेंट जी, यहाँ पर आके हम लोग बैठ चुके हैं। सारे टेबल हमें दे दिया गया है और ये सारी बेटा हमारी पिक्चर ले। ये है यहाँ का बुफे, सारे बुफे यहाँ लगे हुए हैं। प्लेट हम ये लेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर है सॉसेज, डिफरेंट टाइप की चटनियाँ, रायता चटनियाँ वगैरह सब लगी हुई। यहाँ पे अचार हैं, सैलड्स हैं और भी बहुत कुछ है। जो कुछ भी लेते हैं आपको दिखाते हैं। सूप आई गेस, क्रैकर्स तो ये रहे। पहली प्लेट ले आया हूँ, चिकन कॉर्न सूप है, उसके साथ में टेम्पूरा प्रॉन्स हैं, वाइट पास्ता है, लज़ानिया है वो भी पास्ता है, और ये कुछ सैलड सा था, एक आलू टाइप का। तो बस शुरू करते हैं। मोहम्मद अपने लिए भी फ़िलहाल सिर्फ सूप लेकर आए हैं, और बाकी लोग गए हुए हैं अभी अपने लिए खाना लेने के लिए। अब्दुल्ला भी अपनी पहली प्लेट ले आए हैं, और बच्चों की नानी अम्मा भी और नाना अबू भी, और ये शादिया की प्लेट है पाया, और ये पाया है। ये बारबेक्यू हो रहा है यहाँ पे, लाइव बारबेक्यू है। मैंने लिया है एक अंदर चपली कबाब, प्रॉन्स लिए साथ में, ये कबाब। मोहम्मद लेकर आए हैं निहारी। मैं जो अपनी प्लेट लाया था तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ, थोड़ी सी रह गई, मैं खा रहा हूँ अभी। डिटेल रिव्यू आपको बाद में देते हैं। वेलकम अगेन जी, खाना खा लिया है, बस डिज़र्ट जो वो मेरा रहता है, बाकी अम्मी वगैरह लेने गए जो का सब खा चुके हैं। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे काफ़ी बार पहले आ चुकी हूँ जब ये विलेज होता था, और अभी क्लॉक टावर में मैं पहली बार आई हूँ। वैसे तो ओवरऑल जो सर्विस है, मतलब जो यहाँ पे वेटर वगैरह घूम रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ख्याल कर रहे हैं। बार बार जो आप प्लेट मतलब ख़त्म होता है खाना, प्लेट खाली होती है, फ़ौरन यहाँ से ले जाते हैं, फ़ौरन बुलाने पे आ रहे, पूछ रहे आके खाना कैसा है। यानी कि आप उनकी सर्विस का जो यहाँ पर लोग घूम रहे हैं ज़बरदस्त है। बाकी एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है खाने की, खाना जो है उसमें बिरयानी बहुत अच्छी है, सैलड रखे हुए थे वो अच्छे हैं, और कुछ इक्का दुक्का चीज़ें अच्छी हैं, बाकी कोई चीज़ इतनी खास नहीं। अच्छा, मटन में इन्होंने सिर्फ पाया रखा हुआ है और मटन कढ़ाई रखी हुई है, मटन की और कोई डिश नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा डिज़र्ट्स का भी जाके देखूँगी कि क्या क्या है, वो जुल्फ़िकार साहब बता सकते हैं, अभी तक उन्होंने खाया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अभी इनके मैनेजर को बुला कर और मैंने एक कंप्लेंट की है, कि अंदर जहाँ आप खाना लेने जाते हो वो इस कदर गर्म है, क्योंकि वहीं पे सब कुकिंग हो रही है, वहीं पर सारा होता है। क्या है कि बारबेक्यू आउटसाइड पर बनता है और उसका धुआं वगैरह सब बाहर निकल जाता है, अगर इंडोर बन भी रहा होता है तो वहाँ बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, अंदर शदीद तरीन धुआँ है, शदीद तरीन गर्मी है, शदीद तरीन हब्स है। यानी कि खाना डालना ना वो ऐसा होता है कि बस डालो फटाफट, आप सही से देख भी नहीं पाते हो, आपका दिल ही नहीं करता वहाँ खड़े होने को, तो कि यहाँ से मैं लूँ क्या, इतनी गर्मी है, बस फटाफट जो मिलता है डालो और निकलो। और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, बिलीव मी, खासकर जो कि सब्जी और बारबेक्यू और दूसरे जो इस तरह के आइटम्स हैं, यकीन करें उनकी हालत गैर हुई है, पसीने से शराब, वो मैं 2 मिनट भी वहाँ नहीं खड़ी हो सकती, 2 मिनट। अबू मेरे साथ गए थे, मुझे अबू की फिक्र थी कि अबू को मतलब ना कुछ हो, और मैं उनसे कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोगों को ज़रा नहीं एहसास हो रहा कि कहाँ खड़े हैं आप लोग, तंदूर भी क्या होगा, इतनी गर्मी है जहाँ पर वो लोग सर्व कर रहे हैं, उनकी हालत तो गैर। मैं कोशिश करूँगी कि जुल्फ़िकार साहब जाके उनकी हालत आपको दिखा दें, अंदर धुआँ, काला अंधेरा, फिर ऊपर से हर्ब्स, मतलब मेरे सर में शदीद दर्द हो गई है।
टेस्ट अल्लाह ताला की देर में ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज इतना कोई अच्छा नहीं है। इससे कई ज़्यादा अच्छा रंगोली का है जो हम खाते रहते हैं। और अभी डिशेस भी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, और बस बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है जिसकी मैं बार बार तारीफ करूँगी और सबने तारीफ़ की है। तो अभी सर दर्द लेके बैठी हूँ, खाया कुछ नहीं जा रहा, सब्जी लाई थी वो भी नहीं खाई गई। और बस मैनेजर को बुला के मैंने दिखाया, मैंने कहा आप भी 10 मिनट खड़े हो, मैं भी खड़ी होती हूँ, तो आप देखें यहाँ पे क्या हालत है। हम लोग यहाँ खाना ले, हम तो आए हैं एक दिन के लिए, आए हैं पैसे दिए हैं, हमारा भी ख्याल करना चाहिए आपको। और दूसरी बात है कि जो आपके वर्कर्स खड़े हैं, एम्प्लॉय खड़े हैं, उनका भी ख्याल करें, वो भी इंसान है। लेकिन वो मैनेजर खुद तो इधर उधर घूम रहे हैं ना एसी में, उनको क्या लगे किसी की तकलीफ़ का। और मुझे लगता है शायद मैं पहली और वाहिद और आखिरी एक औरत हूँ कि जो अपनी तकलीफ़ के साथ साथ दूसरों की तकलीफ़ की भी फिक्र करती है। मैंने कहा आप हमारा ना करें, कम से कम अपने एम्प्लॉय का ही ख्याल कर लें, एग्जॉस्ट लगा दें। आपको तो वैसे इंडोर करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर कर भी रहे हो तो आपको एग्जॉस्ट तो लगाएं कि हमने लगाए हैं। वो एक एग्जॉस्ट लगाया, वो अब दो चार वो लगा दिए हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा, वरना वहाँ पर ज़रा भी गर्मी और धुआँ ना होता। हम पहले भी आ चुके थे, कभी ऐसा नहीं था, जब ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। इतना अच्छा माहौल था खाने विलेज के टाइम में, बहुत अच्छा माहौल था। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे डार्क डार्क सी है, मतलब क्या मैं बताऊँ, अब आप समझ जाएं। कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो सही असली रिव्यू है वो मैं आपको दे रही हूँ, ताकि जब आप आएँगे आप बोलेंगे वाकई जैसे आप ही ने कहा था वैसे। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ये जो मैं एग्जॉस्ट फैन का कह के आई हूँ कि खुदारा अपने ही एम्प्लॉय का ख्याल कर लो, बेचारे बेहोश हो ना हो जाए, मैं 2 मिनट खड़ी नहीं हो सकी, वो बेचारे तो ज़्यादा मजबूर हैं, क्या करें, आवाम कमाना तो है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ, अल्लाह हिदायत दे। बस इसी के साथ मैं बस यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं अब नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आऊँगी, और मुझे खुदा हाफिज़, बाकी जो है वो आपको बाद में बताते हैं। अम्मी और अब्बू ने खाना खा लिया, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है यहाँ के बारे में। जी अम्मी, कैसा लगा खाना वगैरह आप लोगों को यहाँ पे, माहौल कैसा लगा, चीज़ें कैसी थी? बस ठीक है, कोई खास नहीं, बस ठीक है। और अब्बू आपको कैसा लगा? 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने नंबर हैं इनके? अब्दुल्ला के कितने? 5। जी मोहम्मद जी, आपका क्या ख्याल है? 6। मोहम्मद जो है वो 6 out of 10 दे रहे हैं, और ओवरऑल, और मैं बाद में दूंगा जब मेरी तरफ कैमरा होगा। तो बिल आ गया जी हमारा, और 17,814 रुपये का टोटल बिल बना है। कार्ड अगर हमारे पास होता तो उसके ऊपर कहते हैं कि डिस्काउंट है, लेकिन हम कार्ड रखते नहीं हैं, क्रेडिट कार्ड हम नहीं यूज़ करते, लिहाजा हम कैश में पे करेंगे, और ये टोटल अमाउंट है। और हम लोग अभी यहाँ पे बाहर आके रुके हैं, ये ओपन एयर में भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है इनका, एक अच्छा सा माहौल है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है इस वक्त में। ये समंदर है, कभी समंदर बिल्कुल यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन इस वक्त समंदर पीछे बहुत चला गया। भाई ये आपको शायद यहाँ से नज़र आ रही हो, एक दीवार सी बनी हुई है बाहर की तरफ, मैं दिखाता हूँ, हाँ ये नज़र आ रही है, ये दीवार है, यहाँ तक पानी होता था, और बल्कि यहाँ पे भी आया करता था पहले जब यहाँ पे विलेज था, क्योंकि वो इसके यहाँ पे पिलर से बने हुए थे, उसके नीचे मुझे याद है पानी आता था, लेकिन इस वक्त बहुत पीछे गया हुआ पानी, दूर तक जो है ना रेत नज़र आ रही है, अगर आप देख सके तो। हाँ वो जो बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही है ना ये वाली, ये चाइना पोर्ट की है, चाइना पोर्ट है, और इसमें समंदर थोड़ा दूर गया हुआ है, लेकिन शायद ज़ुल्फ़िकार साहब ने आपको दिखाया। हाँ मैंने दिखाया, बहुत दूर गया हुआ है अभी इस वक्त, करके दिखाया, लहरें शहरें, कोई लहरें मेरे नज़र नहीं आ रही इस वक्त, रेत ही रेत नज़र आ रही है सिर्फ, तो ये थोड़ी थोड़ी लहरें हल्की हल्की सी यहाँ से नज़र आ रही हैं, पानी काफ़ी पीछे गया हुआ है। अच्छा बाहर का भी जो वेदर है ना वो बड़ा अच्छा सा है, प्लेजेंट है, क्योंकि स्मेल नहीं है जैसा कि चौपाल सुनने में आया, जैसा कि चौपाल में जो है वो स्मेल सुना है कि बहुत आती है, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार साहब भी गए थे, यहाँ स्मेल तो नहीं आ रही है, बाहर अच्छा है वेदर, और लोग काफ़ी दुनिया अंदर से ज़्यादा बाहर लोग बैठे हुए हैं। और बाकी ये है कि अम्मी अब्बू ने
भी थोड़ा सा बाहर निकल के घूम फिर लिया है, तो अभी हमने सोचा कि आपको यहाँ पर भी ज़रा ला कर दिखाते हैं कैसा है माहौल। ऑल्दो के समंदर पे लोग आवाम तो अभी नहीं है, खाली हो चुके हैं, लेकिन ये है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो अभी रश है। तो ये देख लीजिए बाहर से, और मेरे बच्चे देखिए कैसे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। ज़ुल्फ़िकार साहब नहीं आए, मैं ज़ुल्फ़िकार साहब भी दिखाती हूँ। और ये ज़ुल्फ़िकार साहब और अबू ये सब साथ बैठ गए, मैंने कहा जाएँ ज़रा साथ जाएँ मेरे बच्चों के। तो ये चेस से ली थी, आज ही शर्ट्स ली हैं इनकी। अच्छा, मोहम्मद का गिफ्ट नहीं मिला, वो गिफ्ट जो है वो ड्यू है, अब वो इंशाल्लाह 10 अक्टूबर जो इसकी अपनी है, आज 7 थी लेकिन कल 8 और फिर 9 और 10 को फिर इंशाल्लाह इनका घर में फिर एक केक कटेगा। फिर क्या मतलब, घर में केक कटेगा और साथ में इनको गिफ्ट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप हैप्पी हैं? बहुत। बर्थडे हुआ? हाँ शिंदगी, माशाल्लाह 11 साल का हो गया मेरा बेटा। और ज़ुल्फ़िकार साहब को मस्कत से भी आए हुए 11 साल हो गए, और अब्दुल्ला साहब की दुआ को पूरा हुए 11 साल हो गए। आपकी दुआ को पूरा हुए 11 साल हो गए, ना जानमाज बिछा कर लेटा जाता था, और अबू आपको भी दोबारा नाना बने हुए। तब अब तब अबू तीसरी बार नाना बने थे ना, क्योंकि उससे पहले अब्दुल्ला और माहम थी। तो अम्मी ये खड़ी हुई है, हवा अच्छी चल रही है माशाल्लाह। क्या कहेंगे रिव्यू? मेरा रिव्यू भी वही है जो सब लोगों का था, अब्दुल्ला का ज़्यादा मुझे बेहतर लगा, मैं एग्री करता हूँ। 5 out of 10 मार्क्स हैं। खाना बस गुजारा है, जितने पैसे हैं या जिस तरह का वो है उस तरह का नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले यहाँ पे विलेज होता था, वो इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा था। एक चीज़ शाहजी ने और पॉइंट आउट की जो कि बहुत मुझे सही लगी, वो ये कि जब यहाँ पहले कभी खाना खाने आया करते थे यहाँ पर, जो जेंट्री आती थी, जो लोग आते थे वो हायर क्लास लोग थे, अब हमारे जैसे ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड बहुत गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है। सर्विस बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो आखिरी बार ही समझूंगा कि मैं यहाँ आया हूँ। वो जहाँ खाना लेने गए थे वो, इससे बहुत अच्छा लाल किला, और उससे भी बहुत अच्छा जो है वो जो है रंगोली इज़ नाउ, मतलब पहले ही बहुत अच्छा था, अब उन्होंने तो कमाल कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। कराची का बेस्ट बुफे जो इसको जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वो सबसे बेस्ट। और जहाँ पे खाना भी वो दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, वहाँ की जरा कंडीशन वो तो वाकई, वो तो मैंने अंदर जाते जब मैं पहली बार सिर्फ सूप और 2-4 चीज़ें लाया था ना, मैंने तब भी आके इनको बोला था कि मुझे लग नहीं था कि इनका फूड भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा वहाँ पर गर्मी और धुआँ बेशुमार है, और मतलब बस वही बात है, पंखे लगा के काम चला रहे हैं जैसे शादी वाला, घसीट रहे हैं रेस्टोरेंट को जैसे शादी में, नहीं खाना चलता है और गर्मी और ये सब कुछ। ऐसा ही है, सही बात है। तो बार ये क्लॉक टावर के लिए पहली और आखिरी बार, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है हमारा, बिल्कुल ऐसा ही। हमें पता होता ना कि ऐसा है तो हम मम्मी अब्बू को रंगोली ले जाते, क्योंकि वो भी तकरीबन इतने ही पैसे है ना, पैसे इतने ही वहाँ पे, तो गेम्स और वो सब कुछ भी, और खाना बेशुमार अच्छा है। फिर वहाँ पे तो जो सबसे लास्ट टाइम आप लोगों को, खैर लास्ट टाइम उन्होंने हमें पहचान लिया था, तो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया था, बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, हालांकि हम हमें नहीं पता था, लेकिन वो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी थी। उनके जनरल मैनेजर भी थे और उनके हेड शेफ भी थे, तो अब्दुल्ला का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, बहुत ज़्यादा वो आपने देखी तो जाके देखें, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर जो था ना हमारा इवेंट हमारे बच्चे का, और मज़ीद तो उन्होंने अच्छा कर दिया था। थैंक यू वेरी मच, अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। हम अभी तक याद करें, बता दीजिए लोगों को, यहाँ पे 2,770 रुपये पर पर्सन है, लेकिन ड्रिंक्स और पानी वानी सब अलग है। तो अभी जो हमने बिल पे किया है वो आपने देख ही लिया है, 6 लोगों का तकरीबन 18,000 से तकरीबन 100 कुछ रुपये कम बना है, तो वो तो टिप पे चले जाते हैं, तो ये समझे कि 3,000 रुपये पर पर्सन जो है वो हमें पड़ा, इतना ही 3,000 जो है वो रंगोली में भी है। हाँ जी, रंगोली में भी यही। चलिए ठीक है, और ये अब्दुल्ला की हरकत है। चले अबू घर, ओके, अल्लाह हाफिज़ सबको, अल्लाह हाफिज़ कहते सब। अच्छा पॉइंट आउट किया है, ये ना लेडीज़ वॉशरूम की ये तस्वीर बनाई है, अब्दुल्ला कह रहा है ये भी लड़का ही था, इसमें ज़बरदस्ती लड़की बना दी है। तो ये वाकई उसको फ्रॉक श्रॉक पहना के और हील वाली जूती और सर पर पता नहीं क्या बनाया, बस ये बड़ी अच्छी सी एक पेंटिंग है।